आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे और हम भी बढ़िया मजे में। तो मैं लेके आ रखी हूँ आप लोगों के लिए एक नया व्लॉग। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मार्केट। मैं काफ़ी दिनों बाद घर से निकल रही हूँ, तो मैं मार्केट जा रही हूँ और मार्केट में दिखाती हूँ। एक आज एक के साथ प्रैंक हो गया, तो उसका भी मैं दिखाऊंगी अभी आपको। जिसका डॉगी था उसी ने उसको मजाक में काट लिया है, वो इंजेक्शन लगाएगी अभी, तो उसको दिखाऊंगी। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अल अभी हम उतर चुके हैं हल्द्वानी मार्केट, यहाँ पे जहाँ पे ऑटो स्टैंड है, ऑटो स्टैंड काफ़ी भीड़ लगी है। तो यह है यहाँ पे कालू साई मंदिर, जो भी हल्द्वानी में तो वो गाड़ी लेता है, तो गाड़ी के लिए पहली बार जब गाड़ी लेके मंदिर में आते तो वो यही मंदिर में आते हैं। तो आए हैं बेस हॉस्पिटल सोबन सिंह जीना वाले में, तो यहाँ इसको लगेगा रेबीज का इंजेक्शन। पहला लग चुका है, दूसरा है आज। पर्ची काउंटर में पर्ची काटेंगे अभी, फिर जाएंगे मंदिर। काफ़ी ज़्यादा भीड़ है इधर, अभी हमको बीस में जाना है पहले पूछने के लिए, फिर देन उसके बाद हम यहाँ जाएंगे बीस नंबर। तो इन्हें दो इंजेक्शन लगे थे और ये थोड़ा शाय है, आ नहीं रही थी इस कैमरे में, तो मैंने थोड़ा कैप्चर किया है इन्हें। इनका नाम निशा है। इन्हें लग गया है इंजेक्शन और इंजेक्शन के बाद अब हम लोग जा रहे हैं वी मार जाते हैं मार्केट। हम मार्केट घूम के आते हैं या विशाल जाएंगे, जो भी करेंगे विशाल जाते हैं। फिर उसके बाद बाहर शॉपिंग करके फिर हम मार्केट आएंगे हल्द्वानी। सामने हल्द्वानी का स्टेडियम है, यहाँ की आईसीटी बस स्टैंड हल्द्वानी का। अपना बैग तो गई हूँ, मैंने भैया से बोल दिया कि भैया आराम से लेके जाना, अगर थोड़ा सा भी पहुँच ली तो मैं 10-20 रुपये काट दूँगी आपको। तगड़ी चल रही है यहाँ, इलेक्शन चल रहे हैं। भैया ने हम लोग अब छोड़ दिया और बारिश होने लगी हल्की हल्की, और हम लोग अब जाएंगे विशाल, क्योंकि हम ज़्यादा आगे नहीं जा सकते, यहीं पर जाएंगे। पहुँच गए विशाल मार्ट। फिलहाल अभी हम पहुँच गए यहाँ, कुछ देखते हैं, कुछ पसंद आएगा तो लेंगे वरना नहीं लेंगे। ये दोनों की शुरू हो गई है, इन दोनों को फर्क नहीं पड़ता किसी और से। चलो चलते हैं आगे, देखते हैं। कुछ छोटी ना टी शर्ट एक्सचेंज करानी थी, मैंने वजह से आए थे हम लोग, क्योंकि उसकी जो लेके गई थी मम्मी के साथ जब आई थी तो डेली थोड़ा टाइट हो गई थी, तो अपने घर एक्सचेंज करा लेंगे और मैं भी कुछ देख लूँगी। तो काफ़ी इन्हें चेंज कर दिया इधर साइड। ठीक ठाक टी शर्ट मिल रही है, सही प्राइस में मिल रही है, ऐसा भी नहीं कि महंगा है। ठीक है, इन लोगों का फोटो सेक्शन चल रहा है यहाँ पर, कोई सामान वामान लेना नहीं हो रहा है लोगों को। तो इनके लिए मुझे एक ये टी शर्ट पसंद आ रखी थी, आगे से वो लगे हैं धागा और एक ऑरेंज वाली उधर, वो ये भी मुझे बहुत पसंद आई थी, लेकिन इनके है मेरे बजरंग वाला कलर मिल ही जाता है, लेकिन प्राइस के अकॉर्डिंग मुझे इतना मज़ा नहीं आ रहा है इसको देखने में, नहीं कर पा रही। इन्हें लेना क्या है, ये कन्फ्यूज़न में है बहुत। मैंने तो कुछ नहीं लिया, इन लोगों ने अपनी जो टी शर्ट चेंज करानी थी वो ली, थोड़ा एक दो टी शर्ट एक्स्ट्रा ली। अभी हम मार्केट जाते हैं, मार्केट में देखते हैं कुछ पसंद आता है तो मार्केट चलते हैं सीधे। अंदर से आ चुके हैं, अभी अंदर हमें कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आया। बाहर देखो मौसम इतना अच्छा हो रहा है, बहुत ही सुंदर, क्योंकि अभी जब अंदर गए थे तो थोड़ा उजाला था, अभी बाहर को आए ना तो एकदम से मौसम ऐसा लग रहा है शाम हो गई है, लेकिन शाम हुई नहीं, अब बादल लगे पीछे हल्की हल्की बारिश हो रही है। तो मार्केट चले नहीं घूमने थे, क्योंकि फिर मार्केट में बारिश होगी ना तो हमें घूमने का मज़ा भी नहीं आएगा और हम घूम भी नहीं पाएंगे, इसे टाइम से पहले निकलते हैं यहाँ से। हमें लगे दूसरा ऑटो, तीसरा ऑटो, अभी तो ऑटो में बदलने में है। यहाँ से मार्केट जाते हैं सीधे और मार्केट सामान खरीदते हैं, देखते हैं क्या हमें क्या मिलता है। हमें जाए बहुत देर लगे तो हम लोग नहीं जा पाएंगे, इसलिए हम जा रहे हैं जल्दी शॉपिंग करते हैं। जो जिसका डर था वही हो गया, बारिश होने लगी है तेज, वो भी इतनी तेज। बाप रे, अब मैं मार्केट में सामान कैसे खरीदूंगी, ना वो देख सकती ना बड़े किलो मात्र सामान दिखती थी, और सुबह उसमें ही बारिश बहुत तेज होती है, बारिश कम तो होने वाली है नहीं, कम तेज बारिश हो गई है, बारिश थोड़ी करके इतनी तेज बारिश हो गई है। अब मार्केट में कैसे इंसान होता समझ में नहीं, थोड़ी कैसे नहीं रुक रही, बड़े किलो मात्र कुछ बात बाहर निकली थी बारिश नहीं होगी, इतना भयंकर पानी आ रहा है, पानी भर चुका है एकदम से, बारिश में मौसम बदल गया, जज्बात बदल गया, पानी भर चुका है भाई, ऐसा मेरे को डर लग गया। हम मुझे भी ऑटो से भी कैसे हो रहे हैं, इतना तेज पानी की हम बीच जाएंगे, बारिश में यहाँ आ जा रही है।
बचने के लिए अभी हम लोग यहाँ पे रुके हैं, तब तक टाइम पास के लिए कुछ ना कुछ खा लेते हैं। दोनों का ये चल रहा है अभी यहाँ पे, बैंग बूम बैंग हो रहे हैं। बारिश रुकी है, अभी देखते हैं हम लोग क्या लेते हैं क्या नहीं। ओहो स्विमिंग पूल हो रहा था भाई। अभी अंदर मार्केट के अंदर को आ गए हैं, बारिश रुक गई है, थोड़ा धूप आने लग गई है। अब देखते हैं यहाँ पे कुछ सामान कुछ पसंद आता है तो। पीछे मैं गई थी तो मुझे इतना कुछ पसंद नहीं आया, मैंने कहा थोड़ा आगे चलते हैं मेन बाज़ार में, तो वहाँ लेते हैं। तो ये है हल्द्वानी की मार्केट, हर गली से निकलोगे आप, अलग अलग गलियाँ हैं। फिलहाल अभी हम सारी गली में हैं जहाँ पर पूजा की सामग्री मिलती है, आगे आगे वाली गली में। अच्छी लग रही है मुझे, मैक्सी जरूर चाहिए तो मैक्सी ले लेती हूँ। एक ये कलर बहुत ठीक लग रहा है मुझे, एक ये कलर से थोड़ा ठीक है मतलब औरों से औरों के अकॉर्डिंग। बाकी कलर तो दिखाऊँ मैं आपको, इस तरीके के कलर है, मज़ा नहीं आ रहा देख के। कम गिरने गए इसके दो मैक्सी में ले चुकी हूँ, जो मुझे पसंद आई मैंने आपको वीडियो में दिखाई थी, तो दो मैक्सी मैंने ले ली है, कॉटन की है, तो मैंने कहा चलो ले लेते हैं, ये चल जाएगी मेरी काम आ जाएगी। अब ये शूज़ देखने लग गए हैं, ले कुछ नहीं रहे हैं, कल देख रहे हैं बस, मन भर भर के बैग में सब मेरा ही सामान है और कुछ नहीं है। उसने एक शूज़ ले लिया है वहाँ पे डिसाइड करके, बड़ी मुश्किल से उससे लड़का करके लेके आए हैं हम लोग। खुशी देखो लड़की, खुशी देखो लड़की की, तो इसलिए हम अब देखते हैं। अभी कुछ मैंने ऐसा कुछ लेना नहीं है खास, मैंने जो लेना था ले लिया और आगे देखते हैं, कुछ पसंद आए तो ले लूँगी वरना नहीं लूँगी। ये जो मुझे मैंने पसंद की है, मैंने नहीं, ये कैसा लग रहा है। ये अभी कपड़े देख रहे हैं यहाँ पे, चिकन की कढ़ाई वाली कुर्तियाँ, ब्यूटी प्रोडक्ट लेना है, सब कुछ पहन ले लिया है, पहनने पहनने का मुंह सजाने का भी चाहिए। आज हम लोगों की शॉपिंग हो गई है, अब हम घर को जा रहे हैं, और क्योंकि अब टाइम निकले हम सुबह 10 बजे से निकले हुए हैं और बज गया है 3:30, तो इतना लंबा टाइम हो गया है, अब मैं भी बहुत थक गई हूँ। तो अभी हम पहुँच गए हैं घर अपने लोकेशन पर, तो फिलहाल हम लोग पहुंच चुके हैं घर, अब घर आ ही गया हमारा सामने। हम सुबह 10 बजे के निकले हैं, 4 बजे घर पहुंच रहे हैं, आवारा सबसे बड़ा आवारा हम लोग। तो वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।